नमस्कार दोस्तों, नैन्सी कुकिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि इंटरलॉक के क्या क्या फायदे हैं और ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्लीज़ लाइक जरूर किया करिए, कई लोग ऐसे होते हैं लाइक नहीं करते, प्लीज़ उससे मेरी हिम्मत बढ़ती है और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए मैं प्रोत्साहित हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे ही कपड़े हैं, इसको मैंने करते करते जो है यहाँ तो किया था, आधे में रह गया था। और ये देखिए, ना करने से इसका क्या हाल हुआ है, ये देख सकते हैं आप, देखिए किस तरह से धागे निकल रहे हैं और ये सिलाई के लास्ट में आ रहा है। तो मैंने ये सोचा कि चलिए आपको वीडियो भी दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है, एक वीडियो भी बनानी थी इंटरलॉक की, तो इसलिए मैंने आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने धागे निकल रहे हैं ना, ये देखिए, और ये यहाँ देखिए इंटरलॉक हो रखा है, तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखिए इस साइड भी मैंने आसन आसन पर इंटरलॉक कर रखा है, तो ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए ये कैसे धागे निकल रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए हम इंटरलॉक करना सीखते हैं, देखते हैं कैसे इंटरलॉक होता है। चलिए मशीन की ओर। तो ये देखिए, ये मेरी इंटरलॉक मशीन है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह से हम इंटरलॉक करते हैं इसमें। तो ये देखिए, ये इंटरलॉक मशीन है हमारी, इसमें तीन तरह के धागे प्रयोग होते हैं, तीन कोण लगते हैं। तो देखिए, एक दो और ये तीन कोण है, तो ये तीनों, इसमें तीन सुइयां भी होती हैं, तो तीनों में धागे अलग अलग से पिरोए जाते हैं। इसको मैं फिर किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि धागे किस तरह से पिरोए जाते हैं, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तीन सुइयां होती है, देखिए एक अंदर से आ रहा है धागा, एक ये ऊपर से आ रहा है और एक ये इस साइड से आ रहा है, ये देखिए इस साइड से ये। तो इस तरह से मशीन में तीन धागे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरलॉक, इंटरलॉक स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इंटरलॉक इस तरह से, ये पीछे से इसको उठाते, और ये मशीन है ना उल्टी चलाते हैं, कपड़े सिलने वाली मशीन को हम सीधा चलाते हैं अपनी साइड, इसको उल्टा चलाया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से इंटरलॉक करते हैं, ये देखिए, ये देखिए ऐसे इंटरलॉक करेंगे हम, ये देखिए इस तरह से। और जहाँ जहाँ फ्रेंड्स ये धागे निकल रहे हैं ना, इनको हम कट करते जाएंगे, इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से हम इसे इंटरलॉक कर देंगे, ये देखिए जहाँ जहाँ धागे आते जाएंगे ना, उसे हम कट करते जाएंगे, ये देखिए। देखिए इंटरलॉक करने से ये फ़ायदा होता है कि बिल्कुल भी हमारा जो कपड़ा वेस्ट नहीं होता, ख़राब नहीं होता, नहीं तो सिलाई के लास्ट तक पहुंच जाता है अगर हम इंटरलॉक नहीं करते। तो देखिए इसमें अब थोड़ा ही रह गया था, देखिए कितने धागे निकल रहे हैं, देखिए किस तरह से। और दूसरी तरफ जहां हमने इंटरलॉक कर रखा है वहां बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, बस इतना ही रह रहा था। तो इसको देखिए मैंने कर दिया, अब इसे कुछ भी नहीं होगा, जैसे वो था ना ये ऐसे ही रहेगा, देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए इस तरह। इंटरलॉक ना करो तो देखा था आपने कपड़े में कितना बुरा हाल था, कि सारे धागे निकलते जा रहे हैं हमारा, 10 कई लोग 1000 का, 1500 का, 2000 का सूट हम लेते हैं और मुश्किल से 20-30 रुपए बचाने के लिए हम लोग कह देते हैं कि अरे रहने दीजिएगा, इंटरलॉक मत करिएगा, हमारा ऐसे ही सिल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 20-30 रुपए बचाने के चक्कर में हम अपना इतना अच्छा सूट ख़राब कर लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा, मैंने अपना ही कपड़ा दिखाया था कि मैंने आसन में कर रखा था और दूसरी तरफ नहीं करा था, तो वहाँ पर देखा था कितना बुरा हाल हो गया, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिल पाया था, मैंने जल्दी जल्दी में सिला था सूट, तो मैंने जितना हुआ उतना ही कर लिया, बाकी नहीं किया। तो मैंने जैसे दिखाया उसमें ये धागे सारे निकलने शुरू हो गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत करा करिए, इंटरलॉक का बहुत महत्व है, जैसे हमारे जीवन में हर चीज़ का महत्व है, वैसे ही कपड़ों की लाइफ बढ़ाने के लिए इंटरलॉक का भी बहुत महत्व है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
प्लीज, क्योंकि आप लोग है ना लाइक करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं। मेरी इस वीडियो में कम से कम प्लीज 100 लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत टाइम निकाल के हम मेहनत करते हैं, और अगर आप लाइक नहीं करते तो थोड़ी सी निराशा होती है। और एक दो फ्रेंड ऐसे भी हैं जो मुझे डिसलाइक भी कर देते हैं। कोई बात नहीं, डिसलाइक करते हैं उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। अब आप सोचें कि मोटिवेशन कैसे मिला डिसलाइक करने से, उससे ये होता है कि हमारी जो कमी थोड़ी सी रह जाती है ना डिसलाइक करने से, हमें ये पता चलता है शायद हमारे काम में कुछ कमी रह गई है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं कि जो कमी रह गई है वो ना हो, और जिसने हमें डिसलाइक किया वो किसी कारण हमें ज़रूर लाइक करें हमारी वीडियो को। तो मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए।